हेलो दोस्तों, आज पहुँच चुका दिल्ली। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली का ये जो रेड लाइट एरिया है। और ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे अपने जान में फिर से फंसाने के लिए यहाँ खड़ी हुई है। यहाँ मैं दिल्ली के जैसा कि रोड पे खड़ा हूँ और ये रोड जो है ये पूरा भरा रहता है रेड लाइट से। और दिन में ही ये मतलब कि नज़ारा ऐसा है कि आपको अपने सिलेंडर में फंसाती हैं। तो रात में कैसा मंजर होता रहा होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन इसमें देखने का एक ये देखिए ये अपना जो भी है ना ये धंधे के लिए ये पैसा बैठने के लिए अपने जाल में फंसाती हैं। और इनके कुछ लोग भी होते हैं जो आपसे डिमांड कर सकते हैं। और ये हम उस ब्रिज से नीचे आ रहे हैं जो दिल्ली का ब्रिज है, उसके नीचे से आप कभी भी गुजरे तो आप बड़ी सावधानी से रहें ताकि आपसे कुछ यहाँ पे लूटपाट या फिर अधिक प्रकार की आपके पास की घटना हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं इस भीड़ भाड़ में कैसे अपने जाल में ये लोग फंसाते हैं। और इस वीडियो का माध्यम आप तक पहुँचाना है कि आपको सावधानी बरतना है। तो ऐसे में अभी हम आपको दिखा रहे हैं ब्रिज के ऊपर से कुछ नज़ारा। और ब्रिज से हम जब नीचे जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कंडोम फेंके गए हैं। और ये लाइट में यहाँ पे पूरा रेड लाइट एरिया का ये देखिए पूरा मंजर है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितना सारा कंडोम यहाँ पे फेंके गए हैं। कुछ ही मतलब अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना ही यहाँ पे इस गली में इतनी गंदगी है जो लाइट में यहाँ पे कई लोग फैलाते हैं। और ये अपने शिकार में अलग अलग जगह पे बैठ करके खड़े होकर के और आपसे ये पूछेंगे कि आपको सर्विस चाहिए, तो आप तुरंत ही सतर्क रहो कि देखिए यहाँ पे तय कर रहे हैं कि अभी आपको चलना है और किसके यहाँ चलना है और कितना पेमेंट लेंगे। ये सारी चीज़ें रोड पर ही तय हो जाती है, रोड से ही आपको लेकर के ये वहाँ पे उनका बंदा सेट होता है, उनका रूम रहता है, वहाँ लेकर के जाता है। और ये मुँह ये बांधे रहती हैं ताकि उनको कोई पहचान न सके, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। तो ऐसे में कई चीज़ें हैं कि आप जब जाएँ वहाँ पर तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। रेड लाइट एरिया बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे जो समाज है उसके लिए बहुत ही खराब की बात है जो ऐसे रोड पर ही अभी आप देखिए यहाँ पर देखा गया है, आप देख सकते हैं हम जूम करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे में कौन मतलब कि ये समाज में ऐसा चाहेगा कि ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे कुछ मजबूरियाँ हैं इसलिए लोग करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए एक रिक्शे पे बैठ गए हैं और इनसे तय हो गया है कि आपको कहाँ चलना है और किस जगह चलना है। इनका कुछ लोग रहेंगे उस रूम पे और वहाँ पे ही इनका जो भी है तय हुआ रहा होगा। यहाँ आगे तक वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, हम पूरा दिखाएंगे आपको कि क्या करती है लड़की और कैसे करती है, इन लोगों का कैसे वहाँ पर सेटअप रहता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप देखिए इनका पूरा आप इनको पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि आप की भावनाओं को कैसे पहचान लेती हैं, ये इनके अंदर कला होती है। और इस कला को ये लोग अच्छे से बैठे हैं, साफ़ सुथरा कपड़े पहने हैं, लेकिन इनका जो अंदर का जो नज़र है नज़रिया है वो अलग ही है। तो ऐसे में आप दूर रहें। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी दिल्ली आएँ तो इस एरिया में बिल्कुल ना आएँ ताकि आप मतलब कि सावधान रहें, ताकि आप बचे रहें, ऐसे में आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बता रहे हैं कि लास्ट तक बने रहिए और आगे देखिए ये कहां तक जाती हैं और ये कहां उतरती हैं और क्या करती हैं। तो यहां पर तो बहुत ही तरीके से देखा जा सकता है जो अलग अलग नज़र से।